हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर डिश दाल बाटी। हमें 6 कप गेहूं का आटा, 2 कप सूजी या रवा, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून देसी घी और नमक स्वाद अनुसार। दाल बाटी की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप तूर दाल, आधा कप चना दाल, आधा कप उड़द दाल, आधा कप मसूर दाल और आधा कप मूंग दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया है आधे घंटे के लिए। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच देसी घी। अब हम गेहूं के आटे में डालेंगे सूजी, बेकिंग पाउडर, जीरा, धनिया, अजवाइन और सौंफ, नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी और इसे बहुत अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे और एक थोड़ा हार्ड या सख्त डो बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ना ही हमारा डो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट। अब हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट लेकर उसे रोल कर ऐसे शेप बना हमारी रख सभी देंगे। बाटियाँ बनकर रेडी है। मुझे टोटल 9 बाटियाँ इस डो मिक्सचर से मिली है। यहाँ मैंने 2 से 3 कप पानी लिया। इसमें हम हमारी बाटियाँ डालेंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सभी बाटियाँ फूल कर रेडी है। इसे हम पानी से निकाल कर अलग रख देंगे। अब हम हमारी सभी बाटियों को इसी तरह काट कर रख देंगे। अब हम हमारी सभी बाटियों को इसी तरह देसी घी में फ्राई कर लेंगे। अब हम कुकर में सभी दाल और 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालकर से 2 से 3 कुकर की सीटियां लगाएंगे। 2 से 3 सीटियों के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें जीरा, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, सभी मसाले और नमक और 2 से 3 चम्मच पानी। 5 से 6 मिनट ढककर पकाने के आप देख सकते हैं हमारे टमाटर प्याज गल गए। अब इसमें हम हमारी दाल डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसे 10 मिनट पकाएंगे। एक बर्तन में हम थोड़ा देसी घी, जीरा, साबुत लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च और हिंग डालकर इसे अच्छी तरह पकाकर इसका तड़का दाल पर लगाएंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल अब हम तैयार हमारी है। दाल बाटी परोसे के पहले हम हमारी बाटियों को इस तरह चूर कर उस पर दाल डालेंगे, फिर देसी घी और थोड़ा सी हरा धनिया और ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लेकी और टेस्टी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू।